देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। उनकी ना कोई मर्यादा होती है ना किसी का डर। ऐसे लोग में सबसे आगे हैं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, जो हमेशा भड़काऊ बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने हद ही कर दी। इन जनाब ने तो देश की संसद को ही निशाना बना लिया और कहा कि देश की संसद और विधानसभा में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनते हैं। खुदा रा मेरे प्यारे मुसलमानों, समझो मुल्क कहां जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या हालात हो रहे हैं। अरे आज भी अगर हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। हम बार 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 कहते रहे इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज्जम हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं, किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के निशिस्तों को जीत सकता है। आप ही देखिए, ये विधायक जी हैं जो संसद के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वो संसद जो हमेशा से न्याय का प्रतीक रहा है। हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज देश के क्या हालात हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सेक्युलर लोग कहाँ हैं? देश में आए दिन मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं। अखलाक मारा गया, जुनैद मारा गया, उत्तराखंड में एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। क्या सिर पर टोपी पहनना गुनाह है? क्या दाढ़ी रखना गुनाह है? क्या मुसलमान होना गुनाह है? इस वजह से कि आज मुल्क के क्या हालात है, क्या हालात है मुल्क के आज, आप बताइए क्या हो रहा है मुल्क में। मजलिस जब कहती है तो हम पे इल्जाम लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो सेक्युलर लोग? अखलाक को मारा गया, जाहिद को मारा गया, नुमान को मारा गया, अब एक हाफिज कुरान जुनैद को मारा गया और एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट कहां पर, कौन सा मुकाम, वहां दिल्ली के आगे उत्तराखंड में उस लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। किस लिए? वो मुसलमान है। झारखंड में जला दिया गया, जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। राजस्थान में मार मार के पीट के मार दिया गया, हरियाणा में। आज क्यों नहीं लिखते ये बात, क्यों नहीं बताते? क्या हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्यों हमारे साथ ये सुलूक? क्या सर पे टोपी पहनना गुनाह है? क्या दाढ़ी पालना गुनाह है? क्या मुसलमान होना गुनाह है? इतने पर भी विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी रुके नहीं। उन्होंने पीएम, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को भी निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक बातें कही। खुद ही सुन लीजिए आप। ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। जितना ये मुल्क
तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है तो मैं बहसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बाल सकता हूँ। अब ये तो भगवान ही जाने कि ऐसे बयान देकर अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं। क्या ये मुसलमानों को भड़का नहीं रहे हैं? जानते हैं, आप अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हमें इस बात से एतराज भी नहीं है, क्योंकि अपने धर्म की रक्षा करना अच्छी बात है। पर याद रखिए, दूसरों के धर्म को कोस कर अपने धर्म की रक्षा आप कभी नहीं कर सकते। NMF न्यूज की रिपोर्ट।